कि सरकार के दिल में हमारे लिए ना तो कोई मोहब्बत है और ना ही हमारे लिए कोई इज्जत है। बोलते हैं बीजेपी वाले कि ये आपको भ्रमित किया जा रहा है। नहीं, भ्रमित आप कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो इसको खत्म करने के लिए। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। रांची के कडरू में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन देने बुधवार को काके प्रखंड के चुट्टू अंजुमन के नेतृत्व में चुट्टू गांव से प्रत्येक घर से एक एक महिलाएं निकली और संयुक्त रूप से हजारों की संख्या में सुबह कडरू शाहीनबाग के लिए गई। इस दौरान महिलाएं हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्ती लिए हुए थी। गांव से जब महिलाएं निकल रही थी तो महिलाएं जोरदार नारे लगाते हुए कह रही थी, काला कानून वापस लो, शाहीनबाग हम तुम्हारे साथ हैं। महिलाओं में कई तो 80 वर्ष से ज्यादा उम्र की बूढ़ी दादियां भी शामिल थी, जिन्होंने कहा कि देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, भारत की संविधान को हम लोग छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जब तक सरकार एनआरसी, एनपीआर, सीएए, काला कानून को वापस नहीं लेती, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट मोहसिन आलम की। एनआरसी और एनपीआर जो सरकार निकाली है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन और एनआरसी जो है इसका, ये बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है। हम सब जानते हैं कि संविधान में जो हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए संविधान बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप समान देश के लिए समान कानून निकाल रहे हैं, समान कानून आप बनाए भी हैं, चलिए ये अच्छी बात है। अगर आप पीड़ित लोगों को अगर लाना चाहते हैं भारत में, शरणार्थियों को अगर नागरिकता देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, हम भी इसमें आपका सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप जो कानून बनाए हैं सीए, उसमें जो मुसलमान का नाम आप ऐड नहीं किए हैं, वो बिल्कुल गलत कानून। तो इससे फिलहाल साफ यही जाहिर हो रहा है कि सरकार के दिल में हमारे लिए ना तो कोई मोहब्बत है और ना ही हमारे लिए कोई इज्जत है। अगर वो कानून बनाई है तो उसमें मुसलमानों का नाम ऐड क्यों नहीं किए? तो किस किस कानून पर आप लड़ेंगे? सीए तो फिलहाल कानून बन चुका है। एनसीआर का सरकार बोलती है कभी एनसीआर का कुछ बात नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ इतना कहती कि एनसीआर अभी नहीं आएगा। तो अभी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है अभी तो नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में तो आ सकता है ना। तो बस यही बात का हम लोग को डर है कि एनसीआर फ्यूचर में भी ना आए। इसके लिए सिर्फ यही है कि सीए को खारिज करना चाहिए। अगर सीए खारिज हो जाता है तो जाहिर सी बात है एनसीआर फ्यूचर में नहीं आएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? जो हमारा विधि है, जो विधि, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो खैर विधि बनाने का काम तो विधायिका का है। विधायिका जो विधि बनाई है सीए, बिल्कुल ये गलत ही है, गलत है ये विधि। मेरा नाम नगमा निगा जूही है और हम लोग आज कडरू जा रहे हैं। कडरू में जा आज एक फिर से एक नया शाहीन बाग बनेगा आज कडरू में, और जब तक ये सीए खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे और इंशाल्लाह इसको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ जा रहे, आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं। सरकार के विरोध में, सरकार ने जो ये एजेंडा बनाया है एनआरसी, एनपीआर और सीएए, जिसमें कि सारे धर्मों को लेकर सभी को शामिल किया गया है, लेकिन हमारे मुसलमान जितने भी हैं, हम लोग मुस्लिम लोग, इनको शामिल नहीं किया गया है। और ये सरकार ने ये जो काला कानून जो ये बनाया है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए। का कहना है कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो आप लोग? हम लोग भी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए अगर हम लोग को जान देना पड़े तो हम लोग देंगे। शाहीन बाग में जो हो रहा है वो हम लोग भी करेंगे। इसको कैसे आप लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? इसे हम इसको हम लोग को मतलब वापस सरकार इसे वापस का कार्यक्रम है अंजुमन कमेटी चुट्टू और महिला समिति चुट्टू, ये खास करके ये जो बीजेपी सरकार ने, खास करके मोदी और अमित शाह ने जो ये कानून ज़बरदस्ती थोपा गया है, उसके लिए हम लोग उसका खिलाफ हैं और उसके लिए, उस प्रोटेस्ट के लिए हम लोग ये जो शाहीन बाग कडरू बना हुआ है उसी में सारी महिलाएं और मर्द जो हैं वहां पहुंच रहे हैं हम लोग उसका एहतजाज के लिए, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये कानून जो है, ये भ्रमित लोग बोलते हैं बीजेपी वाले कि ये आपको भ्रमित किया जा रहा है। नहीं, भ्रमित आप कर रहे हैं। आपका हर बोली अलग अलग लगता है। अमित शाह और मोदी जो है अलग बोलते हैं
और इनके जो छोटे नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, इन लोगों का जो असली प्लानिंग है वहाँ से खुल के आ जाता है। हम लोग को समझ में आता है कि वो क्या मतलब करना चाहता है। ये लोग का प्लानिंग जो है वो समझ में आ जाता है इनके मंत्री द्वारा, जो ये छोड़ रखे हैं बोलने के लिए, इससे समझ में आ जाता है। कितनी महिलाएं तो हमारे यहाँ से लगभग हजारों महिलाएं जो हैं आज जा रहे हैं, और हम लोग भी साथ में हैं, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे।